भगवान विष्णु दसवें अवतार लेने वाले, ऐसा कहा जा रहा है कि अब फिर से भगवान विष्णु दसवें अवतार लेंगे और फिर से इस दुनिया के बारे में कुछ सर्वश्रेष्ठ बातें बता कर जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कल्लिक शहर से कुछ दूर उनका जन्म हो सकता है और पूरा बात हम बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने दसवें अवतार प्रभु कल्लिक में जन्म लेंगे और यह इस बार भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश से करीब 519 किलोमीटर दूर उनका अवतार होगा। क्योंकि ऐसे एबीपी न्यूज़ वाले और न जाने कितने सारे न्यूज़ वाले इस खबर को तेज़ी से फैला रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है हमारे गीता में और भगवद गीता जैसे चीज़ों में, और कहा जा रहा है कि कल्लिक पुराण में कल्लिक में जन्म लेंगे राम की तरह उनके तीन भाई होंगे। माना जाता है कि विष्णु का 10 अवतार होगा और जिसमें एक मृतस्य, दूसरा कर्म, फिर वराह और नरसिंह और वामन, परम पशुराम, राम और कृष्ण, बुद्ध और कल्लिक, जी हाँ, जो कि लगभग इनके ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कल्लिक में जन्म अभी तक नहीं लिए हैं, लेकिन ये लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म और पाप बड़े पैमाने पर जब होने लगेगा, तो दुनिया को पाप से बचाने के लिए विष्णु कल्लिक में कल्लिक के रूप में जन्म लेंगे। जी, कल्लिक भगवान का अवतार यूपी के संभल जिले में होगा और वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में खुले हुए तलवार लेकर आएंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग 432,000 वर्षों तक रहेगा और कलयुग के बाद फिर एक पुनः सतयुग का आरंभ होगा और जिसमें भगवान विष्णु पाप का विनाश करने के लिए जन्म लेंगे और लोगों को एक सही बात या सही दिशा देकर जाएंगे। तो ऐसे वीडियो तो हम बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं चंदन गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।